गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर देखिए हम लोग ड्यूटी में आ गए हैं। आज थोड़ा सा काम पर गया है गाड़ी का मेंटेनेंस का, क्योंकि आज जो हमको ग्रीस मरवाना है, सामने देखिए ग्रीस गंड लगा है, बैरल में सेट है। तो गाड़ी देखिए अपना वही पुरानी वाली राम प्यारी। आज हम लोग जो है वर्कशॉप में आए हैं। भाई साहब भी देखिए सामने से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लॉक बुक जमा करना डेली है। लॉक बुक लेके हाथ में देखिए वो पर्ची लेकर आया, पर्ची जो हाथ में देखिए पर्ची है, देखिए उधर पीछे जमा होगा। चलिए आपको बताएंगे कहाँ अपना दान पेटी है, सामने आप देख सकते हैं गाड़ी जो गैरेज। ये देखिए देखिए ये दान पेटी है, दान पेटी में डाले। अब यहाँ जो है साहेब लोग उठा लेंगे। देखिए अपना वर्कशॉप है, लाजवाब बनाया गया है जोरदार। गाड़ियाँ ब्रेक डाउन पड़ी है, आप देख सकते हैं बड़ा जोरदार लोकेशन है यहाँ अपना गैरेज का। जितना भी सिस्टम देख रहे हैं सर, देखिए हम अंदर ही जितना भी गाड़ी का काम वाम होगा जो भी है सब अंदर में, ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। व्यवस्था जो है गाड़ी से लेके स्टाफ तक की व्यवस्था है, हम देख सकते हैं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ड्यूटी में आ गए सब, यहीं अपना ड्यूटी में लगे रहो। देखिए अपना राम प्यारी खड़ी है, ग्रीस मरवाना है आज, क्योंकि गाड़ी ग्रीस खोज रही है। देखिए लाइन लगी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा गाड़ी में, इसलिए काम करवाने के लिए ड्राइवर लोग लगा दिया। कोई आवे ना आवे, इसको तो जब डेली आना ही आना है, क्योंकि इतनी चाल है कि बेचारा की हालत खराब हो। दोस्तों अपना दोनों प्लान चालू हो गया, सामने आप देख सकते हैं। और देखिए ऑपरेटर साहब भी बिल्कुल एकदम तैयारी में है, इनका जो है लोगों पायलट जो है अपने अपने देखिए अपने अपने मशीन पे जा रहे हैं। ये लोग प्लान जो है चालू हो गया है। और हम भी चले अपना दूसरे प्लान पे। इस प्लान पे तो गाड़ी बहुत लगी है, सामने आप देख सकते हैं। अब हम चले दूसरे प्लान पे। बारिश भी चालू हो गया, सामने देख सकते हैं कांच के ऊपर। देखिए प्लान चालू हो चुका है, सामने आप देख सकते हैं गाड़ी लोडिंग भी लगी हो गया है लोडिंग के लिए। और साहब लोग देखिए पर्ची काटने के लिए जो है ड्राइवर को पर्ची देने के लिए जा रहे हैं। साइड के लिए कौन सा चैनेज है वही पर्ची पे लिखा रहता है, पर्ची के अनुसार हम लोग जाएंगे। पहले पर्ची को कांटे में जमा करेंगे, कांटे वाले हमको चैनेज का नाम देंगे, फिर वहीं जाना है। देखिए आपको बताया थे साहब पर्ची दे दिया, अरे ओके, यहाँ से प्लान से ओके हो गया, हमको अब कांटे से ओके होना।
चलिए अब हम चले फाइट पे। टायर बहुत नज़दीक है, मात्र 2 किलोमीटर का लीड है। अभी आपको बताएंगे हमको कहाँ पे घूमना है, बहुत नज़दीक है। देखिए बंकर जो है एडवांस आकर खड़ा है सामने, आप देख सकते हैं दोस्तों। हम रास्ता भटक गए थे क्योंकि उधर का रास्ता बंद था। अब देखिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे। देखिए दोस्तों आज हमको यही रास्ते से निकलना है, आना है जाना है। बारिश नहीं हुआ तो ठीक है, अभी सूखा पड़ा है। बारिश हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये साइड में अपना काम चालू है, अपने इधर से लेफ्ट साइड में काम चालू है। मक्का देखिए हो गया जोरदार, एक एक खेवना का मक्का हो गया है दोस्तों। देखिए हम लोग साइड पे पहुंच गए, सामने देखिए कैंप है और ये हमारे साइड है। फर्स्ट गाड़ी देखिए सामने की लोड खड़ी है, आपको देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट गाड़ी खड़ी है और ये हमारे देखिए स्टोर है। जस्ट कैंप के बगल में हमारा काम चालू है। हमारे दूसरे नंबर की गाड़ी है, फर्स्ट नंबर देखिए लोड खड़ी है। आ गए हम लोग साइड पे, थोड़ी देर के बाद में देखिए गाड़ी खाली होगा, फिर आपको हम बताएंगे। ये देखिए अपना स्टोर है, ये कैंप है। हम लोग इधर रहिए रहते हैं। देखिए हम लोग सामने देखिए कॉलोनी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता होगा। ये देखिए यहाँ हम लोग रहते हैं। इधर देखिए अडानी कंपनी का इधर रहन सहन का है व्यवस्था। राम राम महाराज। राम राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे महाराज आज कौन सा गाड़ी पकड़ के आया? ये क्रूजर है भैया। भैया क्रूजर तो नहीं है कोई, लग रहा है बड़ा स्टैंडर्ड गाड़ी है। मर्सिडीज लग रही है। ऐसा लग रही है यार, पीछे अच्छा, देखिए अच्छा। तो हाहा बंगला। ओ हो, पीछे का देखिए लोकेशन जबरदस्त। अरे मजा आया चलाने में इसको। हाँ फुल ए सी है। हाँ फुल ए सी है। अरे महाराज यहाँ हमको फुल एसी दिखाई दे रहा है। ये सब डिब्बी लगी हुई बंद है, एसी सब डिब्बी बंद है। चालू हो जाएगी। इसका रिमोट कहीं और है। ये इधर से देखिए आप, पुश बटन में है, पुश बटन है सब। गाड़ी सिस्टम वाली, इसमें क्या लेबर आती जाती है? नहीं इंजीनियर, ये साहब इंजीनियर साहब इसमें आते हैं। हमको लेबर के लिए इंजीनियर कंपनी सुविधा दिए है, पावरफुल है, मजदूरों को ऊपर बहुत ध्यान देते हैं अपने कंपनी। ये देखो बाकी गाड़ी यार बाहर से आपको दिखाते हैं, बाकी हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा फैंसी गाड़ी है बहुत स्टैंडर्ड है महाराज। देखे अंदर आज पता नहीं, बड़ा लंबी गाड़ी है, लग्जरी जैसा लग रही है। हाँ यार इतना लंबा गाड़ी तो अपना क्या बोलते हैं भारत बेंज भी नहीं है, बहुत लंबी गाड़ी है। ये साहब का, साहब के लिए व्यवस्था किया गया है। अपना देखिए मर्सिडीज सामने खड़ी है, राम प्यारी जो है कहाँ खड़ी है, लेकिन बहुत दूर से गाड़ी देखने के लिए आए हैं हमरा बलजीत भाई, और मालिक ने हमारी बहुत सुविधा दे रखी है। अच्छी तरह से बेचारे देख रहे हैं। लंबाई कम से कम कितना फीट होगा लंबाई बलजीत भाई? 5? नहीं यार, नहीं यार 8 फीट होगा इसमें। 8 फीट होगा, 8 फीट से ज्यादा है गाड़ी, कम से कम तो 12 फीट लंबा है। गाड़ी चमक रही है मेरी गाड़ी, देखिए बलजीत भाई चमक रही है। आए थे दूसरे गाड़ी देखने, लेकिन घूम के अपने गाड़ी पर ध्यान दे रहे हैं। चलो दोस्तों, अभी खंभा खुर्पी गिरा रहा है लेवल के लिए, सामने आप देख सकते हैं पूरा लेवल नहीं लिया गया। आज हमारे कुणाल साहब ने लेवल दे रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं
दो दो पायलट हैं, बहुत जल्दी है, बारिश के कारण से सोच रहे हैं काम निपट जाए तो ठीक है। देखिए इशारा कर रहे हैं कुणाल साहब, दोस्तों आपको आज दिखाएंगे हमारा कैंप का मेन गेट कहाँ से। देखिए अभी आपको हम जूम करके दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर जो है ये है स्टोर, दूसरा नंबर देखिए उसमें लैब का है, इधर से दूसरे नंबर लैब का है, और जो बीच में जो बनाया गया अभी नया बना है इसमें जो है स्टोर का सामान जो है वो रखा जाता है, जिसे आप देखिए बगल में इधर सब बैरल बैरल रखे हुए हैं, उसी के जगह पे उसमें भी सामान रखा जाता है। और बाकी देखिए तीसरे नंबर में साहब लोग बैठते हैं, और चौथे नंबर लास्ट में देखिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं, वहाँ हम लोग पंचिंग करते हैं, हमारे HR वाले बैठते हैं, साहब PM साहब सब उसी में रहते हैं। और मेन गेट देखिए आपको यहाँ है, सिक्योरिटी गेट जो है देखिए सामने है, आपको थोड़ा थोड़ा बैरियर दिखाई देता होगा, देखिए बैरियर जो है थोड़ा दिखाई देता होगा। आज हम जो है दूर से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बगल में हमारा काम चालू है, इसके कारण से मौका मिल गया है। हमारे पास तो कोई ड्रोन है नहीं कि आपको हम बताएंगे। देखिए हम लोग यहाँ रहते हैं, कम से कम तो 200-300 meters का फ़र्क पड़ता है, ये जो रेंज है 300 meters है अपने रूम से पंचिंग करने दी आना हो तो देखिए यहाँ आना पड़ेगा। हमारे रूम है देखिए कितना दूर पे, 300 meters के आसपास है, बीच में से हाईवे निकली है। देखिए कुछ गाड़ियाँ जो देखिए पार्किंग में खड़ी है, सामने देखिए आपको DBM प्लांट दिखाई देता होगा, DBM प्लांट से लेके और अपना हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ लगभग लगभग 1 kilometer पड़ जाता है। देखिए DBM प्लांट है यहाँ पे, बाकी कैंप तो 1 kilometer के आसपास में है। देखिए हमको यहाँ से इधर आना है, फिर यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा ये ऑफिस, और फिर देखिए आगे जो है रूम तो आपको बताए हैं, तो ये लंबा 1 kilometer पड़ता है, लेकिन पंचिंग करने के लिए 300 meters के आसपास आना पड़ता है। सामने देखिए DBM प्लांट, दोस्तों अपना गाड़ी देखिए खाली हो रहा है, सामने आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया खाली होने का, सबसे गाड़ी खाली हो चुका है, दूसरे नंबर पे अपना गाड़ी है। गाड़ी तो खाली करवा ली, देखिए हम तो एंट्री करवा रहे हैं। देखिए डामर का काम भी फाइनल हो चुका था, लगभग लगभग 1.5-2 kilometers सामने देखिए इधर जुम करके दिखा रहे हूँ, फाइनल हो चुका है। ये अंदर पास पुलिया है गांव के लिए, ये गांव का रास्ता था, इसके लिए हम पुलिया देखे दिया गया, और अपना गाड़ी देखिए आ रही है जबरदस्त चलाए आज यहाँ पे। देखिए इसी के ऊपर गाड़ी चढ़ेगी पूरा पावर लेते हुए, देखिए गाड़ी आ रही है पूरा जोर लगाए हुए, ये लो गियर में गाड़ी चल रही है पूरा ताकत। दिखाते हैं कितना ये हाइट है चढ़ाए,
देखिए अपना डीवीएम प्लांट जो है बगल में तो दिखाए थे इधर। और इधर जो कॉन्ट्रैक्टर का ये बनाया गया है अभी नया, पहले तो नहीं था लेकिन अभी नया बनाया है लोग डीएम वाले। देखिए कॉन्ट्रैक्टर है टीएम वाले सब साइड में रखता है, इसका गाड़ी सब इधर साइड में रखता है। कंप्रेसर है, टीएम है और अपना देखिए प्लांट है साइड में। दोस्तों पहले से दो कांटा तो था लेकिन देखिए दो कांटा और बिल्कुल न्यू बन रहा है, यहाँ चार कांटे हो गए हैं। अब कांटा का कमी नहीं है, सामने देख सकते हैं न्यू कांटा अभी तैयार हो रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है। और सिस्टम बताएंगे जब ये तैयार हो जाएगा तो।